ईस्ट एशिया में हालात और कशीदा होते जा रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जॉर्डन में अमेरिका बेस पर हमला हुआ जिसमें अमेरिका के 3 फौजियों की मौत हो गई। अब अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई के तौर पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने इराक और सीरिया में ईरान हामी लड़ाकों के कई मकामात पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इन हमलों को जॉर्डन हमलों का जवाब माना जा रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हमने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, कुद्स फोर्स और उनसे जुड़े मिलिशिया ग्रुपों को निशाना बनाकर किए गए थे। बयान में कहा गया है कि अमेरिकी फौज ने कमांड और कंट्रोल ऑपरेशन सी समेत 85 से टारगेट्स पर हमला किया। एंट्रेंस, खुफिया सेंटर, रॉकेट, मिसाइल और अनमैन्ड प्लेन के जखीरे, रसद और जंगी सामान से जुड़े ठिकानों पर यह हमले किए गए हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इराक और सीरिया में ईरान से जुड़े टारगेट्स के खिलाफ अमेरिकी हमले 30 मिनट से ज्यादा वक्त तक चले और जाहिर तौर पर कामयाब रहे।